दोस्तों मैं मंतोष अपने इस YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए कि जैसा कि पेज मेकर में हमने आप लोगों को यहां से देखिए ये पेक टूल टेक्स्ट टूल और ये टूल और कटिंग ये लाइनिंग ये ओवल टूल मैंने आप सभी लोगों को बता चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा जो गोल दिख रहा है ये भी एक ओवल टूल है। तो चलिए देखिए इसका क्या कार्य है। तो देखिए ये जो है ये बिल्कुल गोल गोल में ये बाउंड्री का काम करता है आपको पेज मेकर में। जैसे कि आपको आप इसमें मान लीजिए कि जो कुछ भी लिखना हो तो आप इसमें आसानी के साथ लिख सकते हैं। देखिए जैसा कि हम यहां से इसमें लिख देते हैं मेरा भारत। देखिए अब इसको हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखने में आसान रहेगा। देखिए ये जैसा कि हमने इसमें लिख दिया है ये एक बाउंड्री का काम करता है। और इसे अगर हमें इसका थिंक बढ़ाना हो इसे मोटा पतला करना हो तो जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं यहां से इसे आप सेलेक्ट करेंगे और एलिमेंट में चले जाएंगे। और एलिमेंट में जाने के बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे स्ट्रोक में और स्ट्रोक में जाकर इसे हम इस तरह से कर देंगे तो ये हमारा जो है इसका थिकनेस जो है वो मोटा और पतला हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे जाएंगे और इसे अगर इस तरह से कर देते हैं तो देखिए ये हमारा जो कार्ड में बाउंड्री के लिए इसे जगह जगह यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे देखिए ये हमारा है ये भी एक गोल हमारा जो है ओवल फ्रेम टूल है। तो देखिए अब इसका क्या कार्य है। इसे हम खींच दिए इसमें ये चौकोर के जैसा ये लाइनिंग दिया जाता है। तो जैसा कि पहले हम आपको इस ओवल टूल में बता चुके हैं ये जो चौकोर आता है ये भी सेम ही है और ये भी सेम ही है। अब अगर हम इसमें लिखते हैं देखिए हम यहां से इसमें लिखना आरंभ करते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे इसे लिखते हैं मेरा भारत महान। देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा मेरा भारत महान इसे हम बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए अब फिर हम इसमें अगर कुछ भी लिखते हैं जैसा कि फिर से हमने इसमें लिखा मेरा भारत महान। तो देखिए ये जो है हमारा ये दोनों साथ में ही चलेगा। देखिए इससे हमें ग्रुपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है हम जहां पे इसमें लिख देंगे वहां से ये एक साथ ही मूव करेगा। अगर हमें इसे अगर हम बढ़ाते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा मगर ये दोनों साथ ही में मूव करेगा। तो देखिए दोनों साथ ही में किस तरह से मूव कर रहा है। इसे हम कहते हैं फ्रेम टूल यानी हम फ्रेम में अगर किसी भी तरह का हमें फ्रेम बनाना हो तो अगर हमें उसकी मान लीजिए ग्रुपिंग वगैरह नहीं करना है तो इस तरह से हम इसमें लिख देंगे तो आसानी से के साथ ये आ जाता है और इसका आगे भी हम यूज आपको बताते चलेंगे। अब चलिए हम अगले टूल पे चलते हैं जो कि है हमारा ये। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो है हमारा जो पॉलीगन टूल है इसे देखती है ये इस तरह के जो शेप में आएगा। अगर हम इसमें कुछ भी लिखना चाहते हैं या इसमें हम डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्ट्रोक पे आ जाएंगे और इसे जिस तरह की डिजाइनिंग हम देना चाहें देखिए ये जैसे इस प्रकार का डिजाइनिंग आप इसे दे सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ लिखना भी हुआ तो आप यहां से लिख सकते हैं। देखिए जैसा कि यहां पे हमने लिख दिया इस तरह का तो इसे कार्ड में हम जगह जगह डिजाइन के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब इसको हमें अगर पतला करना है तो हम इसे पतला भी कर लेंगे। देखिए यहाँ से ये एलिमेंट में आकर हम यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए ये इस तरह से
हमारा यू सेफ हो गया। अगर हमें इसका और भी डिजाइन चेंज करना हो, जैसे स्टार वगैरह में लेना हो, तो देखिए हम क्या करेंगे। अब इसको हम चले आएंगे यहाँ पे, ये इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे और हम चले आएंगे यहाँ पे पॉलीगन सेटिंग में। देखिए पॉलीगन सेटिंग में आने के बाद अगर हम इसको इस तरह से अगर हम करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, तो देखिए इसका ये जो शेप है वो बढ़ता जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये एक स्टार की तरह बन जाएगा। यहाँ से देखिए ये स्टार की तरह बन गया। देखिए ये इस तरह से आ गया। तो आप जिस तरह से चाहे, इसमें आपको जिस तरह की मर्जी हो, यहाँ पे देखिए ये। चलिए हम एक बार आप लोगों को और दिखाते हैं। हम यहाँ पे चले आएंगे, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक। देखिए यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके हम क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक। उसके बाद से हम चले आएंगे पॉलीगन सेटिंग। देखिए जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पॉलीगन सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद से अगर हमें इसको और भी बढ़ाना है, तो देखिए किस तरह से हो जा रहा है। देखिए ये स्टार के रूप में आपको दिखने लगेगा। देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इसमें जो भी लिखना चाहेंगे वो बेहतरीन ढंग से आप लिख सकते हैं। आप अपने जरूरत के हिसाब से इसे डिजाइन कर सकते हैं और इसे यहाँ से एलिमेंट से में जो यहाँ पे स्ट्रोक का है, इसे आप चाहे तो इसे मोटा पतला आप इसे कर सकते हैं। ये सेलेक्ट नहीं था, आप यहाँ से जाइए और आप इसका डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसे कलर करना चाहते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे जाएंगे विंडोज में और शो कलर्स का यहाँ पे पैनल खुल गया। अगर हम इसे कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये ब्लू कलर जो है, देखिए क्लिक करेंगे ये ब्लू कलर में आ गया यहाँ पे। अगर आप इसमें बीच में कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं और उसे ग्रुपिंग करना है, तो आप इसे दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद से आप चले आएंगे यहाँ पे एलिमेंट में और देखिए यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है। आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, यानी दोनों एक साथ, ये सब एक साथ हो जाएगा। अब जहाँ आप चाहें वहां पर इसे एक साथ लेकर जा सकते हैं। उसके बाद से अगर हमें इसे हटाना है, तो यहाँ पे इसी एलिमेंट में चले आइए। अब ये ऑन ग्रुप जो है हाईलाइट हो गया होगा, इसके बाद इस पे क्लिक कर देंगे तो ये अलग अलग दोनों हो जाएंगे। देखिए चलिए अब हम इसे डिलीट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले टूल की तरफ। तो देखिए ये भी एक जो है पॉलीगन ओवर पॉलीगन टूल है, इसमें भी इसी तरह से है। अब इसमें वजह ये है कि इसमें आप जो भी लिखेंगे वो इसके साथ ही मूव करेगा, आपको कहीं भी इसमें जो है वो ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमने ऊपर वाले टूल में भी जो भी फ्रेम टूल है उसमें हमने आप लोगों को बता रखा है कि उसमें आप लोगों को जो है वो ग्रुपिंग नहीं करना पड़ेगा। अब इसके साथ ही ये देखिए जैसा कि मैंने इसमें लिख दिया है मेरा भारत। अब इसको मैं जरा हाइट कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे अब इसको आप जहां चाहे एक साथ ही लेकर जा सकते हैं। तो ये है हमारे जो ओवल टूल, जो फ्रेम टूल है, तो इसका यही काम है। चाहे ये ऊपर वाला भी हो गया, चाहे ये चौकोर हो गया, या गोल वाला हो गया, या ये हो गया, या ये जो हमारा फ्रेम टूल है, इसको हम फ्रेम टूल ही बोलते हैं। यानी ये एक साथ फ्रेम में बढ़ जाएगा, ये लिखावट इससे आगे भी नहीं जाएगा। और देखिए देखिए ये इसी में रहेगा, ये लिखावट इससे बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा। ये सुविधा आप लोगों को होगा और इसका यही यूज है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टूल। अगला टूल जो है हमारा कोई खास नहीं है, मगर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, हालांकि पेज मेकर का ये अभी लास्ट नहीं है, पेज मेकर अभी शुरुआत हो रहा है। इसके बाद से मैं आप लोगों को
अलग अलग करके इसमें टूल के बारे में अलग अलग टिप्स मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है ये हैंड टूल है, देखिए ये हैंड टूल, यानी आप इस हैंड टूल से पेज को इधर उधर जहाँ कहीं भी आप लेकर जाना चाहें तो आप लेकर जा सकते हैं। मगर इसका एक बढ़िया भी उपाय है कि आप अगर ये पिक टूल में भी है तो आप इसे अगर ऑल्ट बटन दबा कर भी ऑल्ट बटन दबाए रखें अपने कीबोर्ड का और उसे जहां चाहे तहां लेकर आप जा सकते हैं। ये चाहे आप कोई भी टूल इसमें दबाए रखें और उसके बाद से आप अपने माउस का राइट क्लिक करके अगर इसको इधर उधर करते हैं तो ये पेज आपका मूव कर जाएगा। इसलिए ये हैंड टूल का है जो प्रयोग कम ही होता है, मगर आप लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं। मगर इसमें बेहतर यही होता है कि आप जिस टूल पे भी हो उस टूल पे आप लोग ऑल्ट कीपैड का जो ऑल्ट बटन है उसे प्रेस करिए और फिर आप माउस का राइट जो बटन है उसे पकड़ के अगर आप खींचेंगे इधर उधर करेंगे प्रेस करके तो ये पेज आपका इधर उधर हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए ये आगे हमारा जूम टूल, उसके बाद से हम जूम टूल पे आ जाते हैं। देखिए प्लस का निशान दिया हुआ है यहाँ पे, ये जूम टूल हो गया। देखिए तो जूम टूल से हम इस पे अगर क्लिक करते हैं पेज पे तो ये पेज जो है आपका ये मोटा होता जाएगा, देखिए ये मोटा होता जाएगा। और उसके बाद से अगर पेज हमारा कहीं भी गुम हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो है फिट इन विंडो पर क्लिक कर देंगे, पेज हमारा जैसा का तैसा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पेज मेकर में ये जो हमारा जो टूल बॉक्स है, इन बॉक्स के जितने भी टूल है मैंने आप लोगों को इसका सारा यूज हमने बता दिया है, लगभग हमने एक बेसिक तौर पे बताया है। अब इसे हम और भी बेहतर ढंग से आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों को हम बेहतर से बेहतर प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी हुई आप लोगों को मैं जानकारी उपलब्ध कराता रहूंगा और कराता ही रहा हूं। तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नमस्कार।